नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। ऑन एग्रीकल्चर विजन वी आर स्टडिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट प्रेजेंट सिंपल, आफ्टर दैट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नाउ वी विल स्टडी कंबाइंड प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस लाइक इंटरोगेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव नेगेटिव। ओके, सो टुडे वी विल क्लियर दीज टू टेंसेस, हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, सो वेट एंड वॉच, इट्स टू इजी। ओके, हाँ तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिए। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस मिक्सअप में हम लिखेंगे सेंटेंस, और जैसे जैसे मिक्सिंग में सेंटेंस लिखते जाएंगे आप सारे गौर कीजिएगा किस तरह से चेंज होता है, और बाकी का जो भी है आपको ये बता दिया था मैंने कल भी कि कैसे चेंज ऑफ पर्सन हो रहा है, आज उसी पे ध्यान रखना। पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन पे हमेशा ध्यान दिया करो, चाहे तो कोई सी भी फॉर्मेट चल रही है, क्योंकि जब घपला होगा ना तो चेंज ऑफ पर्सन में होगा, या तुम टू ठोक दोगे टोल्ड से पहले, और ज़्यादा घपला इसमें होने की उम्मीद है नहीं। ठीक है, तो बी अटेंटिव बी अलर्ट। ओके, राजा सेड रघु इज नॉट माय सर्वेंट। ये माई यू, ये मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस में यूज करूं, क्योंकि गलती यही करवाएंगे और कोई ज्यादा गलती होने की उम्मीद है नहीं। तो देखो इसमें क्या है आपका, आया राजू सेड रघु इज नॉट माई सर्वेंट। अब इसको अपने क्या करना है, चेंज करना है। किस तरह से करेंगे, आपको कहा जब सेड हो बाहर तो चेंज तो होगा ही होगा, तो आप क्या लिखोगे, राजा सेड। मैंने कहा जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब हो और आईएनजी नहीं लगा हो तो प्रेजेंट सिंपल होता है, पास्ट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी वाली ना आए साथ में तो पास्ट सिंपल होता है। ओके, बी अलर्ट, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विदाउट आईएनजी इज सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट सिंपल और पास्ट इंडेफिनेट में भी। राजा सेड दैट, किससे जुड़ेगा दैट से, सिंपल सेंटेंस हमेशा दैट से जुड़ते आए, बार बार बताया कि आपको दैट से जुड़ते हैं। रघु, रघु रघु रहेगा, है ना, नेम नो चेंज, रघु है। इज, इज अगर है इज के साथ आईएनजी होता तो वाज आईएनजी हो जाता, इज अकेला है तो अकेला वाज हो जाएगा, वाज नॉट, नॉट ही रहेगा, रघु वाज नॉट। अब ये जो माई है तो मैंने कहा सब्जेक्ट कौन से का, बाहर वाले का, है ना, आउटर सेंटेंस और इनर सेंटेंस में हमने बांटा था इसको, आउटर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, राजा। तो बार बार बताया जब आउटर सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका मेल हो, बंदा हो, पुरुष हो, तो माई कन्वर्टेड इंटू हिज, तो इसको बदल देंगे हिज, नॉट हिज, सर्वेंट सर्वेंट ही रहता है जब तक बहुत कठोर मेहनत नहीं करता, है ना, सर्वेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, ओके, बी अलर्ट, मधु सेज वीर लव्स मी। ओके, वीर लव्स मी, व्हाट वी से, मधु सेज वीर लव्स मी। आउटर क्या है, मैंने आपको हमेशा कहा है आउटर अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में चला जाए तो नो चेंज, कुछ नहीं बदलना है, ध्यान रहे आउटर, आउटर अगर चला जाए तो अंदर वाला कुछ भी हो, डजंट मैटर। सो आप ये सीधा लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, मधु सेज दैट, मधु सेज दैट वीर लव्स मी, नो चेंज। ओके, मधु सेज दैट वीर लव्स मी, ओके, नथिंग एल्स। नेक्स्ट, रमेश सेज टू हरि माय मदर इज ए नर्स। सो वेट एंड वॉच, रमेश सेज टू हरि, व्हाट आई सेड, सेड प्लस टू टोल्ड, सेज प्लस टू मीन्स कॉमन सेंस, सेज प्लस टू टेल्स, टोल्ड टेल्स, दैट्स ऑल, कट जाएगा, ध्यान रह लेना इस पे। रमेश
टेल्स टू कभी नहीं लगेगा हरी, रमेश टेल्स हरी दैट माई मदर इज ए नर्स नथिंग एल्स, नो चांस। आउटर इज सेज सो नो चेंज इनसाइड, ओके इनर में कोई चेंज नहीं होगा जब आउटर आपका जो है वो सेज होगा, प्रेजेंट सिंपल होगा परछाई की। सो वॉच राजू विल से टू यू, राजू विल से टू यू व्हाट यू से, राजू विल से टू यू व्हाट ही विल से, कम एंड हेल्प मी, ओके कम एंड हेल्प मी। सो व्हाट यू विल से, विल से प्लस टू है देन टेल, टेल टू, से टू टेल टू, सेज टू टेल्स टू, सेड टू टोल्ड टू, ओके चेक टोल्ड टू सब में लग गया ना टू 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 टू, ये टू 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 हटाना है गलत है ये, सेज टू इसका मतलब क्या हो गया टोल्ड, से सॉरी अरे सेड टू टोल्ड, सेज टू टेल्स, विल से विल टेल, ओके देन व्हाट वी विल राइट, लिसन राजू वी विल टेल यू दैट कम एंड हेल्प मी, नो चेंज, ओके कोई चेंज हुआ नहीं, हुआ होगा भी नहीं, ओके हाँ नेक्स्ट वन रघु सेड यू आर गोइंग टू दिल्ली, रघु सेड यू आर गोइंग टू दिल्ली, व्हाट इज हियर वेयर यू, मैंने कहा जब ऑब्जेक्ट ना हो और सेकंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट की जगह खुद मिल जाना, ठीक है क्या करोगे, माना कि यहां पे मी, माना कि मी यही तो कहा था, जब नहीं हो ऑब्जेक्ट और यहां पे सेकंड पर्सन कहीं भी आ जाए बीच में तो माना कि मी, यानी बात आपसे कही जा रही है, तो आप लिखेंगे रघु सेड दैट यू, यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है मी तो आई, जब ऑब्जेक्ट मी हो तो यू आई में बदल जाता है, आई आर है यहां पे तो वाज में चेंज हो जाएगा क्योंकि ये जो है ये वाज के समय सिंगुलर रहता है, आई वाज गोइंग टू दिल्ली, आई वाज गोइंग टू दिल्ली। इसी तरह से और सेंटेंस देख लो, भुवन सेड माई कार इज टू कॉस्टली, भुवन सेड माई कार इज टू कॉस्टली, क्या आ गया सेड, सेड आ गया तो सेड दैट होगा क्योंकि सेड के आगे टू नहीं है तो ये टोल्ड में नहीं बदलेगा, सेड दैट आएगा, भुवन सेड दैट फर्स्ट पर्सन माई है, माई को चेंज होगा भुवन के हिसाब से तो ही बन जाएगा या हिज बन जाएगा, यहां ऑब्जेक्ट है तो हिज बनेगा, हिज कार इज, इज किस में कन्वर्ट हो जाएगा वाज में, हिज कार वाज टू कोस्टली, ओके सेंटेंस को देख लो गौर से, हिज कार वाज टू कोस्टली, नेक्स्ट रमेश सेड टू महेश, रमेश ने किससे कहा महेश से, नीचे कोमा इन्वर्टेड कोमा, आउटर सेंटेंस हो गया सेड टू महेश, हेल्प मी, ज्यादा कुछ नहीं है देखो फिर भी सेंटेंस अपने हिसाब से चलेगा, हेल्प मी है
नथिंग एल्स. ओके छोड़ दो, एक बार इसको अपने हिसाब से करके देखते हैं. रमेश टोल्ड महेश. टोल्ड कैसे लगा? शेड के साथ टू है तो टोल्ड. टोल्ड और महेश के बीच में कभी टू नहीं लगेगा. इस ये बात मैंने 70 बार बता दी, अब तो नहीं लगना चाहिए कम से कम टू. ठीक है, रमेश टोल्ड महेश, यहां टू लग जाएगा. क्यों लग जाएगा? क्योंकि ये जो इनर वाला है ना, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है. इनर वाले का कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए क्या लग जाएगा? टू. टू हेल्प मी का क्या बनेगा? हिम. क्यों बनेगा मी का हिम? क्योंकि मी इसके हिसाब से चेंज होगा. यहां पे बैठा है रमेश जो एक आदमी है, रमेश की जगह रमेश्वरी हो जाती तो हर लग जाता. ठीक है, तो रमेश टोल्ड महेश टू हेल्प हिम. ये टू क्यों लगा? ये टू तब लगेगा जब अंदर वाले के यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है. सीधा वर्ब से शुरू होता है ना, तब टू लग जाता है. ध्यान रखना, जब इनर सेंटेंस सीधा वर्ब से शुरू हो तो टू लग जाता है. ओके, राघव सेड टू मधु गो टू मार्केट. इसमें टू लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. फिर भी ध्यान रखो कहां से शुरू हो रहा है. ये हेल्प कैपिटल आना था, मैंने स्मॉल कर दिया. वर्ब से शुरू हो रहा है ना, तो इसमें भी टू लगेगा. ध्यान देना कैसे लगेगा, जब वर्ब से शुरू होता है ना इनर सेंटेंस, तो उससे जस्ट पहले टू लगता है. जो यानी जो देट आ रहा था ना अपना, देट आ रहा था है ना, उस देट की जगह अब क्या लग रहा है? टू लग रहा है. तो कंजक्शन टू कब लगता है? जब इनर सेंटेंस वर्ब से शुरू हो. जब ये जो एक नॉर्मल सेंटेंस होता है सब में कंजक्शन देट था, यहां पे कंजक्शन टू है, यानी देट नहीं लगेगा, सिर्फ टू लगेगा. और देट ना लग के टू कब लगेगा? जब सेंटेंस अंदर वाला इनर सेंटेंस जो है वो वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है. ये पता नहीं है कि सर वर्ब होता क्या है, ये ना पता तो भाई ना पढ़, बंद कर दे, ऐसा हो जा. राघव टोल्ड मधु टू गो टू मार्केट. राघव टोल्ड मधु टू गो टू मार्केट. अब देखो चेंज नहीं हो रही ना वर्ब, नहीं होगी, सीधा टू लगेगा और लग जाएगा. ओनली पर्सन जो है वही चेंज होगा, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होता है. विवेक सेड टू टीचर टीच मी. विवेक ने क्या कहा टीचर को? टीच मी. इसके अंदर विवेक टोल्ड टीचर टू टीच हिम. मी का हिम क्यों बना? क्योंकि विवेक के हिसाब से चेंज होगा. विवेक बंदा है तो हिम बन जाएगा. आई थिंक क्लियर हो गया है. प्रेजेंट सिंपल वाले जो है एक बार क्लियर हो गया टू कैसे आएगा. अब इन दोनों को हम कंबाइंड रूप में पढ़ेंगे, कभी इंटरोगेटिव ले लेंगे, कभी कुछ ले लेंगे. उससे पहले इस बार ये इस बार का जो अपना सीक्वेंस आ रहा है ना, मैं सारे के सारे आपको इंटरोगेटिव में बता रहा हूँ. कंजक्शन क्या आएगा? एक जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं ना, उसमें मैंने आपको कंजक्शन क्या बताया है? टू आएगा सब में. ये देखो ये वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसमें टू आ गया है ना. तो जो वर्ब से, अगर इनर सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो आउटर जो बाहर का फॉर्मेट है वैसा का वैसा रहेगा है ना. सेड का टोल्ड हो जाएगा, सेड टू का, और टोल्ड के बाद में कभी टू नहीं लगेगा. ठीक है, यहां पे देखो टू लगा हुआ भी है ना, तो भी यहां पे टू नहीं लगेगा. लेकिन इनर सेंटेंस अगर वर्ब से शुरू होता है तो उस वर्ब से जस्ट पहले, यानी दोनों के बीच में जो कंजंक्शन है, यानी दोनों को जोड़ने वाला है, वो क्या होगा? टू. टू होगा, टू. समझ गए? ओके, देखिए अब मैंने क्या कहा था, इंटरोगेटिव करवाऊंगा आपको. हरी
सेड टू मी आर यू क्रेजी क्वेश्चन मार्क। हरी सेड टू, अपने को देखना क्या है आर मार्क को बाद में देखेंगे, सबसे पहले क्या देखना क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क है, अगर क्वेश्चन मार्क है, अगर क्वेश्चन मार्क है तो सेड टू हो चाहे अकेला सेड हो आस्क्ड ही लगेगा, चाहे तो सेड टू हो चाहे अकेला सेड हो आस्क्ड, ओनली आस्क्ड, आस्क्ड टू कभी नहीं लगेगा, ध्यान रखना। आस्क्ड आस्क्ड आस्क्ड, आस्क्ड कब लगेगा जब क्वेश्चन मार्क हो, आस्क्ड कब लगेगा जब इनर सेंटेंस हमारा क्वेश्चन मार्क हो। पल्ले पड़ गई बात, पड़ गई तो पल्ले में बांध लियो। ओके चलो लिखते हैं हरी, मैंने क्या कहा सेड टू हो या सेड हो क्वेश्चन मार्क देखते ही आस्क्ड में चेंज कर देना, नथिंग एल्स। हरी आस्क्ड मी, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो क्वेश्चन, क्वेश्चन नोट कर लिया करो, क्वेश्चन जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो तो इफ के साथ में शुरुआत करेंगे, इफ या वेदर। किससे? क्वेश्चन जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता हो तो कंजंक्शन क्या आ जाएगा, कंजंक्शन आएगा इफ या वेदर। कंजंक्शन क्या रहेगा? इफ या वेदर। पोजीशन का रहेगी वही जो पहले थी कंजंक्शन की, तो इफ या वेदर इसके अंदर कंजंक्शन रहेगा। हरी आस्क्ड मी इफ, अब क्या करना है जब क्वेश्चन मार्क को आप इनडायरेक्ट में बना रहे हो ना, तो करना क्या है कि क्वेश्चन मार्क से उसको सिंपल में लेके जाना है। अब ये क्वेश्चन मार्क होता है ना तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है ना, जब सिंपल में लेके जाओगे ना तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आपस में चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट आ जाएगा पहले इफ या वेदर, दोनों एक ही बात है, कोई सा भी लगा देना है ना, मी इफ और यू को जो है पर्सन है वो चेंज हो जाएगा है ना। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट जब मी होता है तो यू का आई बन जाता है इफ आई, आर है यू के साथ में आ रहा था ना क्योंकि यू प्लूरल है, लेकिन बार बार कहते हैं पास्ट सिंपल में आई जो है वो सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर वर्ब आता है, तो इफ आई वाज क्रेजी फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ओके देन हरी आस्क्ड मी, जब भी क्वेश्चन मार्क हो तो आस्क्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इंटरचेंज होगा और पर्सन चेंज किया जाएगा, इट्स ओके। लिखे रघु सेड इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग क्वेश्चन मार्क खूंडियो। ओके देखो रघु शेड इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, देख लिया गौर से। अब देखो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन मार्क हो तो सेड टू हो चाहे ना हो आस्क्ड ही आएगा, लिखो रघु Asked। जब यहां पे कुछ नहीं होता, पहली बात तो ये चेंज हम बाद में करेंगे, चेंज होता ही नहीं है, थर्ड पर्सन है इसमें शी है, तो चेंज होगा ही नहीं, तो रघु आस्क्ड इफ, इफ या वेदर में से कुछ भी लगा सकते हैं, मैं तो इफ ही लगाऊंगा, मैंने छोटो लगा थर जो वेदर जैसे तो वेदर लगा लियो, ठीक है। रघु आस्क्ड इफ, इफ शी, मैंने क्या कहा इनको इंटरचेंज कर देंगे क्योंकि अब अपने को सेंटेंस सिंपल बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को इंटरचेंज करेंगे, तो लिखेंगे इफ शी, और चेंज जैसे होता है नॉर्मली करेंगे, इज को वाज करते हैं ना तो इज को वाज करेंगे, वाज, बाकी क्या चेंज करना है, आई एन जी तो चेंज होगा नहीं, वाज सिंगिंग ए सॉन्ग आएगा आगे फुल स्टॉप। इस तरीके से देखो ये जो आपके जितने भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं ना उनके अंदर इफ लगेगा, इफ किस में लगेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से जो इंटरोगेटिव शुरू होता है इफ उसी में लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब और इसको आपस में चेंज कर देंगे। फिर से देखिए रावण सेड टू राम
कैन यू डिफीट मी। देखो रावण सेड टू राम कैन यू डिफीट मी, इसको लेके चलेंगे कैसे। मैंने कहा इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में इंटरचेंज करते हैं, लेकिन चेंज तो चेंज ऑफ पर्सन होगा, आ इधर जाएगा पर चेंज ऑफ पर्सन करना पड़ेगा। तो यहां पे जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगता है हम आस्क्ड कर देंगे, लिखेंगे रावण आस्क्ड राम इफ, कंजक्शन हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है। यू है तो यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है राम, तो यू का हो जाएगा ही, कैन का बन जाएगा कुड, इफ ही कुड डिफीट हिम। मी क्या है, मी फर्स्ट पर्सन, चेंज किसके कहीं भी होगा ना तो चेंज इसके हिसाब से ही होगा, फर्स्ट पर्सन पहले सेंटेंस नाम के हिसाब से। ये क्या है रावण, तो हिम हो गया है ना, इसकी जगह कोई और हो जाता, कोई मंदोदरी या सीता तो हर हो जाता, यहां लग जाएगा अब फुल स्टॉप। यानी क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस जो है उसको हमें सिंपल में कन्वर्ट कर देना है, यानी इसके जो इनर सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के प्लेस इंटरचेंज कर देंगे, और चेंज जैसे होता है और टेंसेस में वैसे ही करेंगे, सिर्फ दैट की जगह इफ लगा देंगे। और इफ कब लगेगा, इफ तभी लगेगा व्हेन इंटरोगेटिव स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब ओनली। ओके, इफ इंटरोगेटिव स्टार्ट्स विद डब्ल्यू एच वर्ड देन वी विल यूज ए डिफरेंट मेथड। सो व्हाट विल बी दैट मेथड, वेट वॉच। Hari said to me, who are you? Question है, डब्ल्यू एच वर्ड से है, राइट। देखो Hari asked me who I वाच, हो गया। कैसे, इसके अंदर क्या होगा, जब डब्ल्यू एच वाला होगा तो ये इंटरचेंज इसमें भी होगा, लेकिन मैंने क्या कहा डब्ल्यू एच के बारे में, टेंस में भी कहा था लाइन वहीं से शुरू होती है जहां हम खड़े हो जाएं, तो इनकी लाइन यहीं से शुरू होगी और ये खुद ही कंजंक्शन आएगा, इसको हटाएगा कोई नहीं। तो सेड टू जो है इसका आस्क्ड बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन मार्क था, मी का मी रह गया, और इसके हिसाब से ये जो यू है इसको ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। मैंने कहा ऑब्जेक्ट मी होता है तो यू आई हो जाता है हमेशा का, तो यू का यहाँ पे हो गया आई, और इनका प्लेस भी चेंज हो गया, आई वाज, वाज कैसे हो गया क्योंकि आई सिंगुलर है यू प्लूरल था, है ना, तो आर का वर नहीं होगा फिर वाज होगा। हु देखो अपने स्थान पे है और यहाँ पे और कोई कंजक्शन नहीं आया, ये खुद ही कंजक्शन बन गया, तो क्या डब्ल्यू एच किंग ऑफ सेंटेंस, जगह नहीं छोड़ेगा भाई, यहीं रहेगा, खुद ही कंजक्शन बन जाता है, खुद ही इंटरोगेटिव वर्ड होता है ना, और यही रिलेटिव प्रोनाउन भी बन जाता है बहुरूपिया, क्या बहुरूपिया, वन मैन आर्मी। ओके सर वॉच, मंगल वेंट टू जंगल, है ना, नहीं, मंगल सेड टू टीचर, मंगल सेड टू टीचर, मंगल टीचर ने क्या कह दियो सुनो, मंगल सेड टू टीचर व्हाट विल यू टीच मी टुडे, क्वेश्चन मार्क। मंगल ने टीचर को कह दिया व्हाट विल यू टीच मी टुडे, आज क्या पढ़ाने का मूड है बोलो, किस तरह से चेंज करेंगे, मंगल आस्क्ड टीचर, मैंने कहा जब डब्ल्यू एच से शुरू होगा तो डब्ल्यू एच ही रहेगा व्हाट, इनको चेंज भी करेंगे इंटरचेंज भी करेंगे, यू जो है वो सेकंड पर्सन है तो इधर आ जाएगा विल का, इधर चला आगे चला जाएगा, चेंज हो जाएंगे दोनों के दोनों, तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, टीचर, टीचर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कुछ भी लगा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, दोनों भी लिख सकते हो, व्हाट ही
उर्षि, ऐसे अगर लिख देते हो आप एग्जाम के अंदर टेंथ क्लास एंड ट्वेल्थ क्लास, अगर इस तरीके से आप एग्जाम में लिख देते हो, यू विल बी कंसिडर्ड एज मोस्ट इंटेलिजेंट टावर ऑफ द क्लास। ओके, हाँ, मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। सो मंगल आस्क्ड टीचर व्हाट ही और शी विल, चेंज हो जाएगा वुड में, तो वुड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगी, व्हाट शी वुड टीच मी, सब्जेक्ट के हिसाब से मंगल है तो हिम आ जाएगा, मंगला होती तो हर आ जाता, वुड टीच हिम। टुडे का क्या बनेगा भाई, दैट डे, क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं, समझ में आ गई बात या ना आई, आ गई होगी, है ना। तो ये जो है ना इंटरोगेटिव इसी तरीके से बनेंगे, ठीक है। तो चाहे तो वो सिंपल में हो चाहे कैसे भी हो, जब डब्ल्यू एच से शुरू होता है तो डब्ल्यू एच खुद आपके लिए कंजक्शन बन जाता है, और जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो इफ या वेदर आपका कंजक्शन बनता है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के साथ चेंज मारा जाएगा, सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस यानी इंटरोगेटिव नहीं रहने देंगे, अफर्मेटिव में बदल देंगे, क्वेश्चन मार्क हटेगा ही हटेगा। पल्ले पड़ी बात, अगर नहीं पड़ी तो कमेंट बॉक्स में लिखो, फोरम थोड़ी है थारे पल्ले पड़ी कौन पड़ी, हाँ अगर नहीं पड़ी तो फिर कोई दूसरा तरीका निकालेंगे, तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और राइट साइड में है बाबा जी का घंटा, दबा दो। थैंक यू।